सर, यूटेरस रिमूवल मामले पर जो सुनवाई आज हुई है, कोर्ट ने क्या आदेश दिया? देखिए, 47,000 से ज़्यादा बीपीएल महिलाओं का यूटेरस निकाला गया, उसमें मात्र 19,000 की जांच हुई है। और इसको जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाया कि अनवारंटेड 540 का यूटेरस निकाला गया है, इसलिए 20 से 40 साल की उम्र की महिलाओं को 2.5 लाख और 40 से ऊपर की महिलाओं को 1.5 लाख का प्रदर्शन कर देने का आदेश हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी बिहार सरकार ने जो कंपनसेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा तय की गई थी, वो राशि घटा के 50,000 कर दी गई और भी राशि सभी विक्टिम को नहीं मिला। इस सब बातों को सुनते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का आदेश था कि 20 से 40 साल महिलाओं को 2.5 लाख और 40 से ऊपर वाली महिलाओं को 1.5 लाख देना है, वो 6 सप्ताह के अंदर दे दें और जितना भी नर्सिंग होम इसमें इन्वॉल्व थे उन पर कैंसिल, बिहार सरकार को आदेश हुआ है कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए MCI को लिखें और जो डॉक्टर इन्वॉल्व हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। सारे SP जो बिहार में, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि इस संबंध में जो केसेस पेंडिंग हैं उसको अनुसंधान 6 सप्ताह में करें और इसकी सुनवाई 19/11 को होगी। हाईकोर्ट ने पाया कि जो यूटेरस निकाला गया है यह एक बारबेरिक एक्शन है और इसके बावजूद भी मेरा कहना था कि हाईकोर्ट बिहार सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और जिनका जांच नहीं हुआ है, मात्र 19,000 का जांच हुआ है और लोगों का जो यूटेरस निकल के जाँच नहीं की जा रही है, इसकी सुनवाई 19 तारीख को खत्म।